सीडी कांड में फंसे हार्दिक पटेल को आज बीजेपी और आरएसएस के कद्दावर नेता रह चुके संजय जोशी का समर्थन मिला। संजय जोशी का राजनीतिक कैरियर एक सेक्स सीडी की वजह से खत्म हुआ। इधर दिल्ली में हार्दिक पटेल के खिलाफ राष्ट्रीय महिला आयोग में शिकायत दर्ज कराई गई है। सीडी कांड पर हार्दिक के समर्थन में आए संजय जोशी। सीडी मामले पर बीजेपी के पूर्व नेता संजय जोशी हार्दिक पटेल के समर्थन में आ गए हैं। संजय जोशी का कहना है कि हार्दिक के खिलाफ ये षड्यंत्र हो सकता है। प्राथमिक दृष्टया षड्यंत्र लागे छे, परंतु इनी तपास थवी जोईए अने हार्दिक भाईए पण पोतानो अभिगम एमां स्पष्ट करेलो छे। बनावावाला व्यक्ति कोण छे, तत्व कोण छे, ए तपास अंते ज खबर पड़शे। वैसे सीडी कांड का दर्द शायद संजय जोशी से बेहतर और कोई नहीं समझ सकता। 2005 में सेक्स सीडी आने के बाद संजय जोशी को बीजेपी से हटा दिया गया था। संजय जोशी बीजेपी और आरएसएस के कद्दावर नेताओं में से एक थे। 2012 में इन्हें नितिन गडकरी ने यूपी चुनाव का संयोजक और बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य बना दिया, लेकिन नरेंद्र मोदी के भारी विरोध के बाद उन्हें मई 2012 में बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी से हटा दिया गया। यानी एक तरह से एक सीडी ने संजय जोशी जैसे कद्दावर नेता का राजनीतिक करियर खत्म कर दिया। हालांकि आज तक ये नहीं पता चल पाया है कि सीडी कांड के पीछे कौन था। इधर हार्दिक पटेल की भी सीडी कांड में मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। हार्दिक के खिलाफ राष्ट्रीय महिला आयोग में शिकायत दर्ज कराई गई है। शिकायत में हार्दिक के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि हार्दिक ने महिलाओं को ब्लैकमेल करने के इरादे से सीडी बनवाई होगी। किस बात को इन्वेस्टिगेट किया जाए कि ये सीडी बनाई किसने? दूसरा पॉइंट मेरा ये है कि इसमें अगर सीडी बनी है, जिन लड़कियों का उनका आया है, उन लड़कियों को भी ट्रेस आउट करके पता किया जाए कि लड़की कौन है, और अगर एलिगेशन सही है तो पता किया जाए उनका सेक्स हैरेसमेंट तो नहीं हुआ। एनसीडब्ल्यू में एक कंप्लेंट हुआ है वायरल वीडियो को लेकर दिल्ली में। अच्छा, मुझे मालूम नहीं है, बेस्ट ऑफ लक। भले ही हार्दिक पटेल खुद को अनजान बता रहे हैं, लेकिन सीडी कांड उनके रास्ते में रोड़े तो अटका ही रहा है। अब इसका कितना बड़ा असर होता है ये तो 18 दिसंबर को पता चलेगा, जब गुजरात चुनाव का नतीजा आएगा। संवाददाता गणेश ठाकुर की रिपोर्ट। गुजरात चुनाव में सीडी आने का सिलसिला जारी है। अब हार्दिक पटेल के दोस्तों की एक सीडी आई है। हार्दिक पटेल ने इस सीडी पर कुछ बोलने से इनकार कर दिया। एबीपी न्यूज की पड़ताल में पता चला कि ये वीडियो करीब 1 साल पुराना है। पहले आई हार्दिक पटेल की सीडी। अब आई हार्दिक के दोस्तों की सीडी। गुजरात चुनाव में सीडी वाली राजनीति। गुजरात चुनाव की गहमा गहमी के बीच एक और सीडी आ गई है। दावा है कि इस वीडियो में हार्दिक के कुछ दोस्त पार्टी करते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो को इसलिए धुंधला करना पड़ा क्योंकि इसमें एक महिला टॉपलेस होकर नाच रही है। हालांकि इस नए वीडियो में हार्दिक पटेल नहीं दिख रहे हैं। वीडियो में लोग शराब पीते और महिला के साथ अश्लील डांस करते हुए दिख रहे हैं। इसमें उनके 3 पुराने साथी नजर आ रहे हैं। वीडियो में दिख रहे 3 में से 2 साथी हार्दिक का साथ छोड़ चुके हैं। ऐसे 5 वीडियो यूट्यूब पर अपलोड किए गए हैं। हार्दिक पटेल से जब इस वीडियो के बारे में पूछा गया तो उनका कहना था कि जब मैं इस वीडियो में हूं ही नहीं तो क्या जवाब दूं। शायद हार्दिक ये जताना चाह रहे हैं कि उन्हें इस वीडियो से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो पहले ही ऐसी और सीडी आने की बात कह चुके हैं। तो अब सवाल ये है कि आखिर क्या है हार्दिक के दोस्तों के अश्लील वीडियो का सच। इस वीडियो के वायरल होते ही लोगों में चर्चा शुरू हो गई कि ये वीडियो कब का है और कैसे निकाला गया। वीडियो की जब हमने पड़ताल शुरू की तो हमें कई बातों का पता चला। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ये वीडियो करीब 1 साल पुराना है। उस समय हार्दिक पटेल जेल में बंद थे।
सूत्र बताते हैं कि जब हार्दिक पटेल जेल में बंद थे उस समय उनके दोस्त उनसे जेल में मिलने जाते थे और उसके बाद ये सूरत और नवसारी के बीच एक फार्म पर रुका करते थे। ये वीडियो भी उसी फार्म में लिया गया है और इस वीडियो में हार्दिक के कुछ करीबी दिखने का दावा सूत्र कर रहे हैं। ये है ABP News, आपको रखे आगे।